नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कल हम बीए प्रथम वर्ष की कहानी दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है, इसी का दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही सरदार जी तैयार होते हैं, मूंछों पर फेक्सो लगाते हैं और अतुल मवानी आयरन मांगने आता है और वासवानी भी ऊपर है जो पाइप स्टार्ट करता है। इस तरह से एक ही तीन मंजिला में रोजाना की तरह एक यंत्रीकरण कार्य हो रहा है और वही दिल्ली के जो मशहूर बिजनेसमैन हैं, जो करोल बाग में रह रहे हैं, उनके मृत्यु की खबर है जो लेखक ने अभी अभी अखबार में पढ़ी है। और जैसे ही नाल से वो सरदार जी का नौकर नीचे आता है धर्मा, तो लेखक आवाज़ उन्हें देता है। सरदार जी कहता है, धर्मा कहाँ जा रहा है? लेखक ने कहा, धर्मा सरदार जी के नौकर का नाम है, कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। उसने वही से जवाब दिया, किसने? धर्मा ने। तो लगे हाथ लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। तो लेखक ने कहा, ले भाई ये पैसे ले जा और मेरे लिए भी सिगरेट ले आना। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। अब लेखक की जाने की इच्छा नहीं है, दिल्ली में सख्त ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, इसीलिए जैसे ही वह धर्मा नीचे मक्खन लेने के लिए आता है और तो लेखक ये समझता है कि सरदार जी अगर मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब वे भी क्या है, दीवान चंद की शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। मुझे कुछ राहत मिली, अब लेखक को कुछ राहत मिली कि सरदार जी भी नहीं जा रहे हैं, तो मेरे को तो जाने की सवाल ही खड़ा नहीं होता। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है, तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का यह वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के या ज़्यादा आना जाना था। अब इन दोनों का, वासवानी परिवार का ही सेठ, अब दीवान चंद भी वासवानी परिवार से ही जुड़े हुए थे, तो दीवान चंद का जो संबंध है दीवान चंद का संबंध है वो वासवानी परिवार से था, तो ये वासवानी परिवार के जो लोग हैं, वासवानी और वासवानी की पत्नी और दूसरा जो अतुल मवानी जो है, अतुल मवानी जब दिल्ली में आया था तो बिजनेस में सबसे पहले मदद इन्हीं दीवान चंद जी ने की थी, तो इनकी तो इनके घर से अच्छी दोस्त अच्छी मित्रता है और ये आते जाते भी है। लेकिन मेरी तो दीवान चंद जी से सिर्फ दो चार बार ही मुलाकात हुई है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों के संबंध है वो दीवान चंद जी से अच्छे हैं, वे घर आते जाते रहते हैं। जब ये है उनके शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो मेरा तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। कौन कह रहा है? लेखक। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के या ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो चार पांच बार ही मुलाकात भर थी, अगर ये लोग भी शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरे सवाल ही नहीं उठता। तो अगर यही लोग शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती है। अब लेखक को सामने ही बारजे पर, बारजे कह सकते कमरे की आगे का दालान, बारजे
कमरे की आगे का दालान। तो वासवानी की पत्नी है, वह सामने खड़ी है। तो सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफेदी है और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। अब वासवानी के होठों पर शाम की लिपस्टिक की लाली भी दिखाई दे रही है। गाउन पहने हुए ही वह निकली है और अपना जूड़ा बांध रही है, बाल बना रही है पीछे, तो अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज। अब उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो कह रही है कि जरा पेस्ट देना प्लीज, सुबह है, मुझे और रात मिलती है। तो लेखक को और भी रात मिलती है, शायद ये सभी भी अभी तक सब यात्रा में शामिल होने का इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मेयत में शामिल नहीं हो रही है। इसका मतलब है मिस्टर जो वासवानी है वह भी मेयत में शामिल नहीं हो रही है। मेयत कहेंगे आप सब यात्रा को। तो वासवानी भी है वह मेयत में प्रारंभ नहीं हो रही है। तो वह भी क्या है, उस मेयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। दूर से आर्य समाज पर, आर्य समाज पर वह है, वह अर्थी है जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आती हुई दिखाई दे रही है। आर्य समाज से होकर जा रही थी पंचकुया शमशान घाट की ओर, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है, आयरन प्रेस वापस है, जो अतुल मवानी है जो लेखक के पास से लेकर गया था वो आयरन वापस लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ। लेखक फटाक से दरवाज़ा बंद करना चाहता है ताकि उत्सव यात्रा की बात ही न चले, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अतुल मवानी तो अंदर ही आता है, दरवाज़ा कैसे बंद करे, और कहता है तुमने सुना है दीवानचंद की कल मौत हो गई है। और वह अतुल मवानी कहता है किसको, लेखक को, कि दीवानचंद की क्या हो गई है, कल मौत हो गई है। लेखक कहता है मैंने अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। सीधा सा लेखक जवाब दे रहा है कि मैंने अभी अखबार में पढ़ा है, ताकि वो आगे ही उस मौत की बात आगे न चले। क्यों लेखक क्यों नहीं चाहता था मौत की बात आगे चलाने के लिए, क्योंकि वह सब यात्रा में जाना नहीं चाहता था। अतुल मवानी के चेहरे पर सफेदी झलक रही, वह सेव कर रहा कर चुका था, वह अभी अभी सेविंग करके आया था, तो उसके चेहरे पर है वह सफेदी झलक पड़ रही थी। और वह आगे कहता है बड़े भले आदमी थे दीवानचंद, मवानी कह रहा है। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी सब यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे लेखक है जो बात को टालना चाहता है, बदलना चाहता है। अगर वह सब यात्रा की बात को आगे और बढ़ाए तो उसे उस यात्रा में जाने की बात कहीं सामने न वह कर दे अतुल मवानी, इसीलिए वह बात को बनाता है और बात को टालते हुए कह रहा है लेखक तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। बस मशीन आने भर की देर है, बस मशीन आए तो काम स्टार्ट हो जाएगा, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। ये कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए, 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू
कर दूंगा। अब 8-10 मशीनें निकल जाए तो मेरा बिजनेस है वह शुरू हो जाएगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान सिंह जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। अब जब शुरू में वह दिल्ली आया था, कौन, अतुल मवानी, तो दीवान सिंह जी ने उनके बिजनेस में बड़ी मदद की थी। उन्हीं के वजह से कुछ काम दाम मिल गया, लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं लेखक के। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है। अब सरदार जी का नौकर के पास लेखक ने सिगरेट मंगाई थी, वह देकर निकल गया और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमीला जरूर पहुँचेगी, क्यों डार्लिंग? अब वासवानी कह रही है अपने पति को कि मेरे ख्याल से प्रमीला भी जरूर पहुँचेगी, पहुँचना तो चाहिए, तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए, उस आगे से कमरे के आगे से दालान से ये कहते हुए वहाँ से निकल गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा, लेखक को कह रहा है शाम के समय कॉफ़ी हाउस की तरफ आना, शायद चला जाऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है अतुल मवानी। आधी मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है। अब आधी मिनट के बाद आवाज़ आती है कि बिजली आ रही है क्या? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है, मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक रॉड से क्या कर रहा है? वह पानी गर्म कर रहा है, इसीलिए उसने ऐसा पूछा कि बिजली आई। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह बूट पॉलिश वाला लड़का है वह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर से पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहा है, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। सरदार जी अपने नौकर को कह रहे, देखो जा तो रहे हैं वह सब यात्रा में, लेकिन वे ऐसे सज धज कर जा रहे हैं जैसे किसी की बारात में जा रहे हैं। कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई अतुल मवानी है जो आयरन लेकर कपड़ों के प्रेस कर रहा है, कोई पॉलिश करवा रहे हैं सरदार जी। तो ये जो सब यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें संवेदना देने की जगह यानी वह मृत परिवार के लोगों को ढांढस बंधाने की जगह है, वह स्वयं एकमात्र औपचारिकता समझते हैं और तैयार होकर वह जा रहे हैं। ये सारी जीवन का यंत्रीकरण हो गया है। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर पाजी है, पाजी यानी थोड़ा बदमाश है, वह कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें ही पकाता है, स्वयं नौकर के मन में आता है वह बनाता है। बाहर सड़क पर कुहरा अब भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है, अभी भी कोहरा छाया हुआ है, सूरज की किरण का भी पता नहीं है। कुल से सोले वाले वैष्णव ने अपनी रेडी लाकर खड़ी कर दी है। अब कुल से सोले नाश्ते वाला है जहाँ रोजाना खड़ा रहता है, वह यथास्थान आकर वह खड़ा हो गया है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है, अब नाश्ते की लॉरी लगा रहा है, रोज की तरह प्लेटें सजा रहा है।
उनके खनखनाट की आवाज़ें आ रही है। अब वह दीवान सिंह की मृत्यु से इन्हें कोई मतलब नहीं है, है ना। वह एक केंद्रीकरण हो गया है रोजाना की तरफ, छोले कुम से छोले बनाने वाला भी आ गया है, प्लेट सजा रहा है, 7 नंबर की वह बस छूट रही है सिटी बस, सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं। अब जैसे सूलियों पर ईसा मसीह को लटकाए जाते हैं, वैसे बस में खड़े हुए यात्री हैं वह ऐसे पाइप पकड़ कर खड़े हैं जैसे किसी ईसाई ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया है। क्यों मैं खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। कंडक्टर क्या कर रहा है, उस बस में पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेजगाड़ी की खनक यहाँ तक आती है। रेजगाड़ी की खनक, सिल्लर की जो खनक है वह आवाज़ है वह सुनाई देती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान के समान, शैतान की तरह वह लग रहा है। काले रंग के उसने कपड़े पहने हुए और उस धुंध में कोहरे में वह शैतान के समान दिखाई दे रहा है। और अर्थी अब कुछ और 5 आ रही है, और अर्थी है वो और भी 5 आ गई है। किसकी, दीवान चंद की। नीली साड़ी पहन लू, मिसेज वासवानी पूछ रही है। अब देखो जा तो रही अंतिम संस्कार में, लेकिन वासवानी को कह रही है, वासवानी की पत्नी, नीले रंग की साड़ी पहन लू क्या। वासवानी ने जवाब देते दे दी कि गुटी गुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। अब आवाज़ उसकी गुटी गुटी आई तो ऐसे लग रहा है जैसे वो वासवानी क्या कर रहा था, अपने टाई की नॉट को वह ठीक कर रहा था। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रूस से साफ करके हैंगर पर लटका दिया और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे, वो भी तैयार हो रहे। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है और पोर्टफोलियो का मतलब है किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का उचित संयोजन, पोर्टफोलियो। किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किया गया किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा किए गए निवेशों का संयोजन कह सकते हो या संग्रह, तो वह एक पोर्टफोलियो को लेकर उसके हाथ में है और वह जा रहा है। कौन, अतुल मवानी। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। अतुल मवानी ने जो पिछले जो महीने में सूट सिलवाया था वो उसे पहन कर रखा है। अब अंतिम संस्कार में सूट वूट पहन के जा रहे, मात्र औपचारिकता। उसके चेहरे पर ताजगी और जूतों पर चमक है। आते वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो। किससे, लेखक से पूछता है। और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने का, वह पूछ रहा है कि वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है। वह सरदार जी को आवाज़, जैसे वह पूछने वाला है कहाँ चलना है तो वैसे वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है। आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज गए। देखो जाने का कितने बजे का समय था, तो 9 बजे का, लेकिन ये सभी तैयार होकर कितने बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं। समय कौन सा था, 9 बजे का समय था। दो मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं और वासवानी ऊपर से ही मवानी को सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया। अब सरदार जी है
वह मवानी को पूछता है, उसका सूट देखकर पूछता है कि ये भाई कहाँ से सिलवाया। तो उधर खान मार्केट में अतुल भवानी कह रहा है, उधर वासवानी के सूट को कह रहा है कि उधर सिलवाया है खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपने मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर, अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है लाइनिंग इंडियन है। इससे आगे मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।